संगम नगरी प्रयागराज में धर्मांतरण के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा हुआ है। मामले में एक मदरसे के शिक्षक के अलावा दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों से पूछताछ के आधार पर यह बताया है कि पैसे का लालच देकर दोनों का भी धर्मांतरण करवाया गया था। जीटीवी नगर करेली के रहने वाले महमूद हसन गाजी नफरती साहित्य बांटने और लोगों के धर्मांतरण के लिए फंडिंग मुहैया कराने वाला सरगना है। इसके साथ पकड़े गए दो लड़कों के बारे में पुलिस ने कहा है कि इनका भी धर्म परिवर्तन कराने के बाद उन्हें जबरन धर्मांतरण के खेल में लगा दिया गया। माघ मेले में ये नफरती साहित्य बांटते पकड़े गए। हिंदू धर्म से रिलेटेड जो पुस्तकें हैं उनमें इन्होंने हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथों के जो उसमें से कुछ श्लोक को इन्होंने अपने ढंग से व्याख्या की है और वो किसी की भी भावनाओं को हर्ट कर सकता है। पुलिस ने इनसे 204 ऐसी पुस्तकें जब्त की हैं जिसमें ISBN नंबर नहीं है। ये भी खुलासा किया गया है कि ये जिन्हें किताब देते थे उनकी तस्वीरें खींचते थे, पता लेते थे और ये जानकारी गाजी को देते थे। जिसको ये पुस्तकें देते थे उसकी फोटोग्राफ खींच लेते थे, उसका एड्रेस भी ले लेते थे। अब वो फोटोग्राफ ये लड़के अपने जो पुस्तक उपलब्ध करा रहा है गाजी उसको भेजते थे। वो फिर अबू धाबी में दूसरे किसी बंदे को भेज रहा था, फिर वहाँ से इनको 10,000 रुपये एक बार में इस हिसाब से पैसे वहाँ से आ रहे थे।